हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं रोहित मार और आप देख रहे हो रोहित मारा ब्लॉग्स। तो आज का जो टॉपिक्स रहेगा, वीडियो रहेगी, वो गांधी जयंती के ऊपर रहेगी, बिकॉज कल गांधी जयंती है। तो आज हमने सोचा कि गांधी जी के ऊपर एक वीडियो बनाई जाए। राजघाट ले चल, ठीक है, समझ गया। पहले आपको वहाँ की वीडियोज़ दिखाएँ। अब आपको राजघाट आने के लिए जो कनेक्टिविटी है, मैं उसके बारे में बताता हूँ। ये मेट्रो स्टेशन है। अच्छा, हमको सिखा दिया है। मेट्रो स्टेशन का गेट नंबर 4 है, और अगर आप बस से आते हो यहाँ पर राजघाट के नाम से बस स्टैंड, आप वहाँ से आके राजघाट के लिए बस वगैरह ले सकते हो। बाकी हम मेट्रो से आए, मेट्रो चलेंगे। यहाँ आके हमें रिक्शा करना पड़ेगा। रिक्शे की मैं आपको डिटेल बता दूँगा कि यहाँ से कितना दूर हो, कैसे है, कैसे पहुँचना पड़ेगा। तो बने रहे मेरे साथ। फाइनल गाइस, हम राजघाट तो आ गए, पर हमारे साथ हो गया पॉपर्ट। देखो राजघाट 1 अक्टूबर और 2 अक्टूबर के लिए रहता है बंद। ये है सिक्योरिटी पर्पस। प्राइम मिनिस्टर हमारे नरेंद्र मोदी जी कल आएंगे गांधी जी को श्रद्धांजलि देने, और बड़े बड़े लोग आएंगे। इस चक्कर में ये है बंद। फिलहाल के लिए आप देख लीजिए इसका आभास गेट राजघाट का। और आप देख सकते पूरा रास्ता है खाली। अब हम चलते हैं कहीं और बनाएंगे वहाँ की वीडियो, करते हैं साइनिंग ऑफ। जैसे कि फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया इस टाइम की राजघाट जो बंद पड़ा है बिकॉज सिक्योरिटी पर्पज़ से। वहाँ अपने प्राइम मिनिस्टर आएंगे श्रद्धांजलि देंगे। बट मैं आया था गांधी म्यूज़ियम देखने, ये गांधी दर्शन का जो था म्यूज़ियम, बट यही बंद पड़ा। बट हाँ, ये गांधी दर्शन पार्क है, वो आपको मैं दिखा देता हूँ, बिकॉज आपको मैं खाली हाथ नहीं जाने दूंगा। मेरे भी चैनल पर आपको कोई ना कोई कंटेंट मिलता रहेगा, तो बने रहे। थैंक्स, लव यू। मैं आपको दिखाता हूँ इस पार्क का। ये है छोटा सा एंट्रेंस गेट, तो आपको ले चलते हैं अंदर और आपको दिखाएंगे वहाँ की से, मतलब स्टैचू गांधी जी के उस टाइम के, या मतलब बहुत ही प्यारे बने हैं। अब आपको आने से पहले यहाँ पे आके ये रजिस्टर पड़ा है, यहाँ करनी पड़ेगी एंट्री, तो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। और आपको मैं दिखाता हूँ जी, ये हमारे पीछे गांधी जी बैठे हैं जो चरखा चलाते हुए। बहुत ही खूबसूरत इनका स्टैचू बनाया हुआ है कलाकार ने। आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है इस टाइम ही। और आपको मैं दिखाता हूँ गांधी जी को यहाँ पर बैठे हुए, जैसे यहाँ गांधी जी बैठे और लोग बाग यहाँ के मेरी फोटो वगैरह खिंचाते हैं। अब देखो, बट आपको मैं बता दूँ, आप यहाँ आओ तो इन चीज़ों को टच मत करना, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत है। और आप आओ और गलत तरीके से इनसे फोटो खिंचाओ तो वो चीज़ अच्छी बात नहीं है। आपको ले चलता हूँ, आज यहाँ भी थोड़ा बहुत रश है, मैं दिखाता हूँ आपको, आपको ले चल के दिखाता हूँ। ओके, अब आप देख सकते हो ये हमारे यहाँ के कोई सर है, मेम्बर है, कि आपको थोड़ी सी आपके डिटेल बताएंगे कि यहाँ पर कि जैसे कि गांधी दर्शन किस पर्पज़ से बनाया गया, कैसे स्टैब्लिश किया गया। थोड़े दिन से मुझे ब्रीफ डिटेल लेते और आपको समझाते हैं। सर, कुछ कहना चाहेंगे दर्शन गांधी दर्शन के लिए? गांधी दर्शन में पहले मैं आपका सम्मान करना चाहूँ। मैं रोहित मेहरा। रोहित मेहरा दोस्तों, मैं आपको रोहित मेहरा के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, ये जिस जगह है ये एशिया के सबसे बड़े म्यूजियम है गांधी दर्शन के नाम से, और दर्शन का मतलब होता है आईना। और यहाँ पे गांधी जी के 100 ईयर्स बर्थडे के उपलक्ष्य में ये म्यूज़ियम बनाया गया। इस म्यूज़ियम में आप गांधी जी की जन्म से लेके और लास्ट एंडिंग तक, जो गांधी जी ने 78 ईयर्स प्लस में होकर जब उनकी डेथ हुई थी नाथूराम गोडसे की द्वारा, उस दौरान की जितनी भी ओरिजिनल पिक्चर्स, लेटर्स गांधी जी के, इवन यही एक ऐसा म्यूज़ियम है जो गांधी जी के ओरिजिनल मार्कशीट और डिग्री भी दिखाते हैं। और उसके बाद भी मैं आपको बताऊं दोस्तों, आप लोगों ने नमक सत्याग्रह के बारे में पढ़ा होगा, देखा होगा, तो इस म्यूज़ियम के अंदर गांधी जी का वो टेबल भी है जिसमें गांधी जी ने बैठ के आपात जनसभा को संबोधित किया 1930 में बैजलपुर गांव में। और एक नाव भी है जिसमें गांधी जी ने बैठ कर दांडी कूच के दौरान ही सबसे बड़ी नदी थी माही नदी, माही नदी को पार करने के लिए जिस बोट का प्रयोग किया वो बोट भी है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि बिरला भवन गांधी समिति में, जो कि यहाँ से राजघाट से 9 किलोमीटर दूर है, वहाँ पे गांधी जी ने 144 दिन बिताए थे। उसी जगह नाथूराम गोडसे के द्वारा गांधी जी ने शहादत हुए, और जिस इंडियन आर्मी की गाड़ी में रख के गांधी जी को लाया गया, वो आप देख सकते हैं कि उस गांधी दर्शन के अंदर है। और इधर ही नेशनल गांधी म्यूजियम है जहाँ पर गांधी जी के क्लोथ्स वगैरह रखे हैं, उनके जो अस्थियों को विसर्जन किया गया वो ग्लास वगैरह भी है। और साथ में जो है आप गांधी जी की और भी कई प्रकार की नाना प्रकार की चीज़ें यूज़ करते थे वो भी आप देख सकते हैं। और मैं इसी तरह दिल से आप लोगों को शुक्रिया अदा करता हूँ उनके चैनल के माध्यम से। और गांधी जी का एक ही सपना था, मेरा जीवन ही मेरा संदेश। हम सब का जीवन ऐसा होना चाहिए कि आने वाली युवा पीढ़ी आपके बारे में जाने, आप क्या थे, क्या कहते थे, इससे हमारा नाम, मतलब आपका नाम, भारतवर्ष का नाम
और साथ में आपके माता पिता और गुरु का नाम उज्जवल है। जय हिंद सर। जय हिंद जी। जैसे कि आपने सर से सुना गांधी दर्शन पार्क के बारे में, कितनी ही यहाँ पर फेमस चीज़ें हैं और कितनी ही प्यारी प्यारी चीज़ें धरी गई है। और मैं आपको दिखाता हूँ, ये है गांधी दर्शन। यहाँ पर आके अपनी स्टैचू फोटो वगैरह बहुत सारी चीज़ खिंचवा सकते हैं। और काफ़ी सारी इन्होंने हमें डिटेल बताया कि गांधी दर्शन पार्क में क्या क्या है, तो वो सब देखने के लिए अब आपको मेरे चैनल जुड़े रहना पड़ेगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ अपने पीछे का एक और प्यारा सा स्टैचू गांधी जी का, जो आप देखोगे और तभी ऐसे खुश हो जाओगे। बहुत ही प्यारा स्टैचू है। इस स्टैचू का माध्यम से ये बताते हैं कि शिक्षा का माध्यम कि बच्चे स्कूल जाते हुए दिखाया गया। और बहुत ही ज़्यादा फेमस आपको मैं एक चीज़ और दिखाता हूँ, जो आप हमेशा देखते सुनते हो, गांधी जी के तीर मंदिर। इसका संदेश ही बहुत प्यारा रहा है, बहुत ही खूबसूरत रहा है, आपको पता ही होगा। मैं आपको दिखाता हूँ गांधी जी का चरखा उस टाइम का, जो गांधी जी उस टाइम में यूज़ करते थे। ये एक्चुअल चरखा है गांधी जी का, जो उस टाइम वो यूज़ करते थे। और भी ऐसी ही बहुत खूबसूरत चीज़ें आप पार्क में दिखाता रहूँगा। छोटा सा पार्क है, छोटा सा गार्डन, ये बहुत ही खूबसूरत बना हुआ, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें। और यार थोड़ा आज के दिन काफ़ी थोड़ा रश, यहाँ पे काफ़ी सारे लोग आए यहाँ देखने, विजिट करने। अब आपको मैं दिखाता हूँ गांधी जी का एक और स्टैचू, देखिए आप कितने प्यारे लग रहे गांधी जी, ऐसा लगता है कि सामने ही बैठे हुए हैं। अब आपको मैं ले चलता हूँ गांधी जी की साइकिल के पास, जो चलाते हुए आपको मैं दिखाऊंगा कि हाँ वो साइकिल कैसे, अभी मैं नहीं चलाऊंगा, वो आपको गांधी जी चलाते हुए दिखाई देंगे, तो मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए मेरे बने रहे मेरे साथ। अब आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ गांधी जी की उस साइकिल। और गांधी जी का मतलब कल 2 अक्टूबर है, तो इस पर्पज़ से मैंने वीडियो बनाई है। गांधी जी की साइकिल चलाते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको। और यहाँ काफ़ी ज़्यादा रश है, देखो पीछे ट्रैफिक भी काफ़ी सारा है और काफ़ी सारे लोग आए हुए हैं। गांधी म्यूज़ियम आज बंद है, गांधी दर्शन भी बंद है और राजघाट भी बंद है, काफ़ी सारी चीज़ें बंद है सिक्योरिटी पर्पज़ से, आपको मैं बार बार बता रहा हूँ। तो इन आपकी इन्फॉर्मेशन भी बता दूँ, अगर इनके साथ अगर यहाँ आते हो तो प्लीज़ 1 अक्टूबर 2 अक्टूबर का ना आइए, क्योंकि यहाँ आप आओगे तो ज़्यादा देख नहीं पाओगे, काफ़ी सारी चीज़ें रहती है बंद। टूरी पर्पज़ से भी आते हो, सब कुछ यहाँ पर रहता है बंद इस टाइम में। तो चलिए ही हम करते हैं आज की वीडियो ख़त्म, साइनिंग ऑफ, और मिलते हैं आपके साथ। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर की करते रहिए, लोग अपना प्यार मेरे साथ बढ़ाते रहिए। और मेरे बहुत सारे बर्थडे कहने के लिए, पर आज छोटी सी वीडियो, क्योंकि ज़्यादा कुछ था नहीं आज आपके लोगों को दिखाने के लिए। तो मेरे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। लव यू ऑल गाइज, साइनिंग ऑफ। आप देखो तो मेरे पीछे कैसे भीड़ बनी पड़ी है, बहुत सारे लोग हैं जो आंदोलन कर रहे हैं बीजेपी सरकार को लेकर, कहते हैं सरकार की गलती है, सरकार बदल दी, सरकार बदल दी, नॉट पॉसिबल। आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा भीड़ है, पूरा ग्रुप हजारों कायर में लोग हैं, यही नहीं मेरे आगे मेरे पीछे काफी लोग हैं। आपको अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से बताता रहूंगा कैसे ही लोग ये आंदोलन कर रहे हैं, क्या इनकी पर्पज प्रॉब्लम से, मैं आपको मिलूंगा, उनसे डिबेट कराऊंगा, बताऊंगा आपको। बने रहे मेरे साथ। आप देख सकते हो कैसे इन लोग समस्या सुनिए, हम सेंसर से सब जानने की जिनके एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है क्या नहीं है। सर आपका क्या मुद्दा है, किस पर्पज पे आप ये डिबेट आंदोलन करना चाहते हैं? हमें सिर्फ पुरानी पेंशन चाहिए, जब तक सरकार हमें नहीं देगी हमारा संघर्ष चलता रहेगा। जैसे कि आप सुन सकते हैं लोगों का संघर्ष जारी है, जब तक सरकार इनका इंसाफ नहीं देगी ऐसे ही प्रोग्राम को फेस करनी पड़ेगी। जिनको सरकार बदलनी है, ये कोई छोटा मोटा आंदोलन हो रहा है, आपको दिखाते जा रहा हूँ लेफ्ट राइट एंड दोनों तरफ। ये रोहित मेरे ब्लॉग के माध्यम से आप सबको बताया जा रहा है कि ये कैसे ही आंदोलन बढ़ता जा रहा है। आप लोगों को चैनल के माध्यम से हर एक बात हर एक डिटेल बता सकूँगा आंदोलन में, मैं भी जुड़ चुका हूँ इन लोगों के साथ। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, जाजी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूँ, मुझे